हमारे बीच में एक विद्वान पुरुष बैठे हुए हैं जो बहुत कम बोलते हैं और कहते हैं कि परिंदों को मंजिल तो मिलकर रहेगी, हवाओं में उनके ये पर बोलते हैं, वही लोग खामोश रहते हैं अक्सर ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। मेरी मुराद है श्री सुदर्शन कुमार जी से, जो रिटायर्ड जनरल मैनेजर हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, अपने विचार रखने के लिए मैं आपको आदरपूर्वक आमंत्रित कर रहा हूँ। मंच पे बैठे हुए मेरे भाइयों और मेरी बहन, आप सब आमंत्रित सीनियर सिटीजन्स कम बैंक रिटायरीज, आज मुझे राकेश अरोड़ा जी, जो कि मेरे छोटे भाई की तरह हैं, मेरे बहुत प्रिय मित्र भी हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि आपको 2 मिनट का बोलने का समय हम देंगे आज। मैंने इनसे कहा मुझसे मत बुलवाइए, क्योंकि मैं शुरू से ही इन सब मामलों में बिल्कुल अनभिज्ञ रहा हूँ, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैं क्या बोलूँगा। लेकिन फिर भी चूँकि अब आपके सामने खड़ा हूँ तो 2 वाक्य तो मुझे कहने ही पड़ेंगे। वास्तव में मैंने जब बैंक ज्वाइन किया था 1970 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर, तो बैंक के प्रोबेशनर्स की मैरिज वैल्यू बहुत हाई थी। आईएएस के जो प्रोबेशनर्स होते थे उनकी कैटेगरी में उनको खड़ा करके देखा जाता था और बड़ी हाई मार्केट वैल्यू थी। मुझे याद है कि मैं एज ए यंग प्रोबेशनरी ऑफिसर एक बार किसी सिटी में पोस्टेड था, शायद गोरखपुर था वो जगह, वहां पर मैं एक आईएएस प्रोबेशनर के साथ एक रूम शेयर कर रहा था। उस समय मेरी तनख्वाह उससे ज्यादा थी, दैट वाज आई थिंक ईयर 1971, मैंने 70 में ज्वाइन किया था, 71 में की बात है ये। और ये मेरे ज्वाइन करने के कई साल तक ऐसी पोजीशन बनी रही कि जो आईएएस मेरे फ्रेंड्स थे उनकी तनख्वाहें मुझसे कम हुआ करती थी, लेकिन पिल्ले कमेटी ने आके ऐसी रेड़ मारी है कि हम लोग एकदम बर्बाद हो गए। आज पोजीशन क्या है आपसे छुपी हुई नहीं, आप सब जानते हैं। बैंक की नौकरी छोड़ के लोग जा रहे हैं, बैंक में क्या वर्किंग इस समय कंडीशंस है उसके बारे में मेरे प्रिय मित्र प्रवीण बिज साहब ने जब कविता अपनी बनाई हुई स्वरचित आपके सामने पेश की तो इतने भावुक हो गए कि उनका कंठ अवरुद्ध हो गया, गा नहीं सके वो। आप सब जानते हैं, मुझे कुछ कहना नहीं उसके बारे में। जो अन्याय हो रहा है हमारे साथ, सबके साथ, उसके बारे में भी आप सब परिचित हैं और आपको इसके बारे में हमारे जो नॉलेजेबल सीनियर लीग्स हैं उन्होंने आपको बहुत विस्तार से समझाया है, उसके बारे में जाने की आवश्यकता भी नहीं है। मैं केवल आपसे ये शेयर करूंगा कि एज ए रिटायर्ड पर्सन आफ्टर हैविंग क्रॉस 60 ईयर्स ऑफ एज, हम सरकार की तरफ ही देखते रहते हैं, बैंक मैनेजमेंट की तरफ ही देखते रहते हैं, जिन्होंने कुछ किया भी या नहीं है, आईबीए बना दी है, बैंक मैनेजमेंट की ही वो एक तरह की एक्सटेंडेड आर्म है जो उनके इंटरेस्ट को वॉच करती है, हमारे इंटरेस्ट को वॉच नहीं करेगी। अगर हम ये सोचते हैं कि वो हमारे लिए हमारा अच्छा कुछ सोचेंगे तो मेरे समझ से हम लोग अपने ऊपर अज्ञान की आंखों पर पट्टी बांध के बैठे हुए हैं। IBA will never do any favor to us। मुझे बड़ी खुशी हो रही है आज ये देख के कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन तैयार हो गई है जिसके 3 लेटर्स जो हैं वो RAF हैं, जो कि मुझे याद दिलाते हैं रैपिड एक्शन फोर्स की। ऑल इंडिया बैंकर्स रिटायरीज फोरम नहीं है ये, ऑल इंडिया बैंकर्स रैपिड एक्शन फोर्स है ये, इसको रैपिड एक्शन फोर्स की तरह काम करना है। और मैं देख रहा हूं कि ये वास्तव में एक रैपिड एक्शन फोर्स की तरह काम करने लग गई है। ये जो आपसे भी शेयर किया है सिद्धू साहब ने बिल्कुल सही है, हमारे जो नेतागण UFBU के जितने मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशन हैं उसमें बैठे हुए हैं, वो हम लोगों की मेंबरशिप इस्तेमाल करते हैं अपने पर्सनल कंफर्ट्स के लिए,
फाइव स्टार होटल्स में जाके रहते हैं, ऐश करते हैं, हवाई जहाज में शेयर करेंगे, मीटिंग्स अटेंड करेंगे, एंड दैट इज इट। वही उनका काम है। मैं आज इस फोरम से निवेदन करूंगा, जितने भी इस रैपिड एक्शन फोर्स के मेंबर्स हैं, कि वो अपने एक्शन में कोई भी कमी ना आने दे कभी भी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अगर उनको दिखाई पड़े कि उनके एक्शन से काम नहीं बन रहा, तो हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है, उसमें और दम डालने की जरूरत है। आपसे इस मंच से निवेदन किया गया, अपील की गई है कि आप मेंबर्स बन जाइए। मैं भी इस बात के लिए आपसे निवेदन करूंगा कि आप अवश्य मेंबर बनिए। मेरे पास जब प्रवीण बी साहब फॉर्म लेके आए, तो मैंने उनसे कहा, यार इतनी सारे ऑर्गेनाइजेशंस पहले ही बैंक के एम्प्लॉइज के लिए काम कर रहे हैं, ये नया एक्शन फोरम कहाँ से ले आए यार, कुछ होगा होगा नहीं। इन्होंने मुझसे कहा, आप ज्वाइन तो कीजिए, मेंबर तो बनिए, आप देखिए, आप वास्तव में इस बात से सहमत हो जाएंगे कि कुछ कर रहा है ये फोरम। आज आप लोगों की बातें सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि वास्तव में हम नींद से जाग रहे हैं, हमें मालूम चल रहा है कि वास्तविकता क्या है और उसके लिए हमने कमर कस ली है। भाइयों और बहनों, मैं केवल इतना और कहना चाहूँगा कि हम केवल बैंक मैनेजमेंट और सरकार की तरफ ही ना देखें अपने वेलफेयर के लिए, हमें स्वयं अपने लिए कुछ करना है। हमें अपने शरीर का ध्यान रखना है, हमें अपनी आत्मा का ध्यान रखना है, और उसके लिए हमें अपने जीवन चर्या को इस तरह से निभाना है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। कोई आपको देख के अंदाजा ना लगा सके कि आप कितने साल के हैं, और वो तभी संभव है जब आप नियमित रूप से व्यायाम करें। और व्यायाम इस उम्र में सबसे अधिक अच्छा है सैर करना। रोज कम से कम आधा पौना घंटे की सैर जरूर करिए। दूसरी चीज, अपनी आत्मा के ध्यान के लिए, उसके लिए क्या करना है, किसी अच्छी आध्यात्मिक संस्था से जुड़ जाइए। आप जाइए, उनके व्याख्यानों को सुनिए। अगर नहीं जान सकते हैं तो जो हमारे न्यूज़ चैनल्स आते हैं, जो टीवी चैनल्स आते हैं अध्यात्म से संबंधित, करीब आधा पौना घंटा उनको ज़रूर देखिए। उसमें जो प्रवचन आदि होते हैं उनको सुनिए, भजन सुनिए। तीसरी चीज़, अपने 24 घंटे में से कम 24 मिनट निकाल के आंखें बंद करके ध्यान कीजिए, और प्रयास कीजिए जानने का कि मैं कौन हूँ, क्या मैं ये शरीर हूँ। ये शरीर तो नश्वर है, चला जाएगा। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है अर्जुन से कि हे अर्जुन, इस संसार में मैं तुम्हारे शरीर, सभी शरीरों की जीवात्मा जो है वो मैं हूं। ये कृष्ण भगवान ने स्वयं कहा। और जब ये कह रहे थे वो, क्योंकि भगवान कृष्ण जो है, हम कहते तो हैं भगवान, पर मैं मानता हूं एक बहुत उच्च कोटि के योगी रहे। और जब योगी जो है वो बहुत गहरी अवस्था में चला जाता है, तो वो महसूस करता है कि वो स्वयं ब्रह्म है। तो आप अगर भगवत गीता को पढ़ें, तो उसमें कई जगह ऐसा भगवान कह रहे हैं जिसको पढ़ने से लगता है कि वो स्वयं ब्रह्म बोल रहा है। तो ये उस अवस्था में पहुंच गए थे। तो हमको सबको अपने आप को समझने का प्रयास करना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, और रोज ध्यान करके अपने आप को जानने के प्रयास करना है कि मैं कौन हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। नैनम छिंदंत शस्त्राणी नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। ये भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि मैं आत्मा हूँ, ना जो आग से जल सकता है, न हवा से सूख सकता है, न पानी से गल सकता है, वो मैं हूँ। तो हम सब वही हैं। ये शरीर अभी है लेकिन कल को नहीं होगा, सब चले जाएंगे। हम जीवात्मा है, जीवात्मा छोड़ जाएगी। जब जीव लेता देह अथवा त्यागता संबंध को, तो क्या करता है वो अपने साथ ले जाता है मन और इंद्रियों को। कैसे? जैसे पवन एक किसी खूबसूरत बगीचे में से गुजरती तो अपने साथ सुगंध को ले जाती है, उस तरह वो अपने साथ वो उस सुगंध को ले जाता है। हम अपने संस्कारों को, अपने मन को और अपनी इंद्रियों को छोड़ के चले जाएंगे,
दूसरा शरीर ले लेंगे। तो अपने आप को तैयार कीजिए कि हम एक बहुत ही अच्छी स्थिति को पहुंच जाए जब हमें अपने शरीर को छोड़े जब और दूसरे शरीर की यात्रा पर जाए तो हमें आनंद का अनुभव हो, उसमें हमें दर्द ना हो, उस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करें। इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे 2 मिनट मिले, मैंने शायद ज्यादा बोल लिया, मुझे क्षमा कीजिएगा। लेकिन मैं फिर से एक बार आपसे प्रार्थना करूंगा कि अपने शरीर का ध्यान रखिए, अपनी आत्मा के लिए उत्थान के लिए प्रयास कीजिए, जानने का प्रयास करें कि मैं कौन हूं। धन्यवाद, नमस्कार।